अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स ट्रेनिंग एंड टीचिंग स्किल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किचन सेंटेंसेस। आज हम जो सेंटेंस हम किचन में यूज्ड करते हैं और आज हम उनकी इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए आइए आज हम उनकी इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं। प्री हीट द ग्रिडल। तवा गरम करो। प्री हीट द ग्रिडल। तवा गरम करो। सिफ्ट द फ्लावर। इसको हम फ्लोर नहीं पढ़ेंगे, फ्लावर पढ़ेंगे। फ्लोर नहीं, फ्लोर मीन फर्श होता है, फ्लावर मीन आटा होता है। सिफ्ट द फ्लावर, आटा छान लो। स्ट्रेन द टी, चाय छान लो। टर्न द फ्लैट ब्रेड अपसाइड डाउन, रोटी पलटा दो। पोर लिटल वाटर, थोड़ा सा पानी डाल दो। नीट द डो, आटा गूंद दो। नीट द डो, आटा गूंद दो। आई एम रोलिंग द चपातीज। मैं रोटियां बेल रही हूँ। आई एम बेकिंग द चपातीस। मैं रोटियां सेक रही हूँ। रोलिंग द चपातीस, बेल रही हूँ। बेकिंग द चपातीस, सेक रही हूँ। बॉयल द मिल्क, दूध उबाल दो। प्लीज़ फ्राई द ओनियन, मेहरबानी प्याज भून दो। द मिल्क इज़ बॉइलिंग ओवर, दूध उबल कर बह रहा है। The water has boiled away. पानी उबल कर ख़त्म हो गया। Turn down the heat, आंच धीमी करो या चूल्हा ऐसा करो। Turn down the heat, आंच धीमी करो। Turn up the heat, आंच तेज़ करो। The curry is very delicious. सालन को इंग्लिश में कड़ी बोलते हैं। The curry is very delicious. सालन बहुत मज़े का है। She is doing the dishes. वो बर्तन धो रही है। Don't drink water while standing. खड़े होकर पानी मत पियो। When will the meal be ready? खाना कब तैयार होगा? Kindly pass me the salt. ज़रा नमक इधर करना। Chop the onions, प्याज काट दो। तो फ्रेंड्स, ये हमारे वो सेंटेंस थे जो हम किचन में रोज़ाना जो है एक दूसरे के साथ बोलते हैं। हमारे पास कोई हो तो हम उसे इस तरह टॉकिंग करते हैं। ये सेंटेंस जो हैं किचन में यूज़ किए जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। अल्लाह हाफिज़।